डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, या फिर आप बोल सकते हो कि यार अगर आपको दो ग्राफ्स दिए हैं तो क्या वो ग्राफ्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है गाइज, कि आपको ना दो ग्राफ इस तरीके से दिए जाते हैं कि वो दिखने में जो है वो डिफरेंट लगते हैं, लेकिन वो होते क्या है, सेम। अब ये प्रॉपर्टी जो है आइसोमॉर्फिज्म, इस प्रॉपर्टी में हमें कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। उस स्टेप्स के बाद हमें पता लगता है कि वाकई में दो ग्राफ्स इक्वल है या नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन गाइस बहुत बार आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। तो मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से सारी कहानी जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ है। अब देखो आपको पता लग रहा है, इन दो ग्राफ को देखने में लग रहा है कि यार ये जो है वो डिफरेंट टाइप से बने हुए, क्योंकि इनको हमने ड्रॉ अलग तरीके से की है। ठीक है, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि प्लेन के ऊपर हमने इनको अलग तरीके से ड्रॉ किया है, लेकिन अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज इनकी चेक करें और वो प्रॉपर्टीज चेक करने के बाद मुझे एक्चुअल में पता लगेगा कि क्या ये दोनों ग्राफ इक्वल है या नहीं है, या आप कह सकते हो क्या ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स का मतलब क्या है कि आपके कितने नोड्स हैं। तो देखो यहां पे आपके पास चार है, और इधर भी देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार है, तो यानी इधर भी चार है एबीसीडी, इधर भी चार है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यानी आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ वर्टेक्स दोनों में बराबर है। ये बहुत इजी सा स्टेप है। दूसरा नंबर ऑफ एजेस, आपको दूसरा क्या चेक करना है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है। ठीक है ना, मतलब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं, बराबर है या नहीं। तो दूसरा स्टेप क्या है, एजेस मतलब जैसे यहां पे 1 2 3 4 5, कितनी एजेस है, 5, यहां पे 1 2 3 4 5, तो देखो यहां पे एजेस भी अपनी क्या है, बराबर है, एजेस भी क्या है, बराबर है। तो दूसरा स्टेप भी फॉलो हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे ऐसा देते नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत इजी सा हो जाएगा कि अगर आपको नंबर ऑफ वर्टेक्स ही अलग दे दें या नंबर ऑफ एजेस अलग दे दें, वो तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कई बार हो भी सकता है इस तरीके से आपको आ जाए, तो आप फटाफट से इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन तीसरा स्टेप, अगर आपको ये दोनों स्टेप्स बराबर लग रहे हैं, मतलब कोई फर्क नहीं है, तो फिर तीसरे स्टेप में जाएंगे, दैट इज डिग्री सीक्वेंस का मतलब क्या है कि दोनों ग्राफ के वर्टेक्स की जो डिग्रीज है क्या वो बराबर है या नहीं। तो डिग्री सीक्वेंस कैसे लिखते हैं, जैसे इसकी डिग्री कितनी है, 3, 1 2 3, मतलब कितनी एजेस एसोसिएटेड है इसके साथ, तो इस वर्टेक्स के साथ कितनी एजेस है, 1 2 एंड 3, बी के साथ कितनी है, 2, सी के साथ 2, डी के साथ 3, तो यानी इसका डिग्री सीक्वेंस क्या बन गया, 3 3 2 2। ठीक है ना, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 3, वो तो बराबर ही है, तो यानी 3 3 2 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे x की डिग्री 3, y की डिग्री 3, z की डिग्री 2 और w की डिग्री क्या है, 2, तो इसका सीक्वेंस भी क्या बना, 3 3 2 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कैसे भी लिख सकते हो, असेंडिंग में लिख लो, डिसेंडिंग में, बट जनरली हम फॉलो करते हैं यही फंडा कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो लो जी 3 3 2 2 3 3 2 2, तो यानी ये डिग्री सीक्वेंस भी क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब इक्वल हो गया, तो यानी ये तीनों स्टेप फॉलो कर रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास एक और फाइनल स्टेप बचा है, दैट इज मैपिंग, और किसकी मैपिंग, वर्टेक्स की आपस में मैपिंग करेंगे। मतलब यहां पे कौन कौन से वर्टेक्स हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है, और यहां पे कौन कौन से वर्टेक्स है मेरे पास, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैप करने का मतलब क्या है कि ए किससे मैप हो रहा है, बी किससे मैप हो रहा है, सी किससे मैप हो रहा है, डी किससे मैप हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट अंदाजा नहीं लगेगा इसको मैप करने के लिए करना क्या है। जैसे देखो ए वर्टेक्स, कुछ नहीं है, बहुत इजी सा फंडा है, ए वर्टेक्स इसकी खुद की डिग्री कितनी है, 3, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है, एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 3 है, और एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है। आप अपने मन में इस तरीके से सोच सकते हो कि ए वर्टेक्स को हमने मैप करना है, इन चारों में से किसी के साथ मैप होगा, ए इन चारों में से किसी के साथ मैप होगा। तो मैप करने का तरीका क्या है, ए की खुद की डिग्री कितनी है, 3, और ये जिनके साथ कनेक्टेड है उनकी डिग्री कितनी है, 2 3 2, तो यानी अब यहां पे
x और y में से मेरे पास दो ऑप्शन है, x और y में से दो, क्योंकि z और w की तो खुद की डिग्री दो है, तो यानी ये तो ऑब्वियसली चूज नहीं कर सकते। तो यानी a मैं या तो x के साथ मैप कर सकता हूं या y के साथ मैप कर सकता हूं। क्यों? x देखो खुद की डिग्री 3 और ये जिसके साथ कनेक्टेड है उनकी डिग्री 3, 2, 2, तो बिल्कुल सेम हो गया ना। a भी खुद की डिग्री 3, जिसके साथ कनेक्टेड है 3, 2, 2, तो ये भी 3 और जिसके साथ कनेक्टेड है 3, 2, 2, तो यानी अब आप ये कह सकते हो कि x को हम a के साथ, या आप कह सकते हो a को हम x के साथ मैप कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से आपको मैप करना है। देन b, अब देखो b की डिग्री कितनी है 2, खुद की डिग्री कितनी है 2 और जिससे कनेक्टेड है उनकी डिग्री है 3, 3। B किससे कनेक्टेड है? A और D से। इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो यहां पे अब हम Y तो चूज कर नहीं सकते क्योंकि उसकी खुद की डिग्री 3 है, तो आप Z और W में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो लेट से Z अगर हम चूज करें तो Z की खुद की डिग्री कितनी है 2 और जिससे वो कनेक्टेड है 3, 3, यानी बोलने में बिल्कुल सेम है, तो यानी आप B को कनेक्ट कर सकते हो Z से, B को कनेक्ट कर सकते हो किससे, Z से। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, मैप जो है वो करना। मैपिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको ये बार बार अच्छे से चेक करना पड़ेगा। देन C, C की खुद की डिग्री कितनी है 2 और जिससे कनेक्टेड है 3, 3 डिग्री है। अब यहां पे Z तो हो गया, ऑब्वियसली अब मेरे पास W ही ऑप्शन बचता है क्योंकि Y की तो खुद की डिग्री 3 है, तो यानी W से मैं इसको मैप कर दूंगा। जब एक दो मैपिंग हो जाती है ना, फिर बाकी की मैपिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देन डी, डी की ऑब्वियसली चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्स जेड डब्ल्यू हो गया, बचा कौन सा है वाई, तो लो जी इस तरीके से मैपिंग होगी। लेकिन अभी भी आंसर नहीं देना, अभी आंसर आपका बचा हुआ है। क्यों? अभी हमने मैपिंग को ऑथेंटिकेट करना है, उसको थोड़ा वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का मतलब क्या है कि क्या ये मैपिंग जो की है ये सही भी की है या नहीं। फाइनल स्टेप क्या है आपको चेक करना है कि देखो ए और बी की मैपिंग, ए की मैपिंग एक्स से है, बी की मैपिंग जेड से है, ए और बी के बीच में क्या एज है, ए और बी के बीच में एज है, ए और बी के बीच में एज है, ठीक है। तो यानी एक्स और जेड के बीच में एज होनी चाहिए, तो एक्स और जेड के बीच में भी एज है, तो यानी ये मैपिंग ठीक है। ऐसी बी और सी के बीच में देखो एज है, बी और सी के बीच में एज नहीं है, तो यानी बी और सी की मैपिंग किससे की है, जेड और डब्ल्यू, तो यानी जेड और डब्ल्यू के बीच में भी एज नहीं होनी चाहिए। लो जी जेड और डब्ल्यू के बीच में एज नहीं है, तो यानी ये मैपिंग बिल्कुल सही की है। देन सी एंड डी के बीच में, सी एंड डी के बीच में एज है, सी एंड डी के बीच में एज है, तो यानी डब्ल्यू एंड वाई के बीच में एज होनी चाहिए, डब्ल्यू एंड वाई के बीच में एज है, तो यानी ये मैपिंग सही। आप इस तरीके से उसके बाद आप ए को सी के साथ मैप कर सकते हो, ए और सी के बीच में एज है, यस, तो यानी एक्स और डब्ल्यू के बीच में भी एज होनी चाहिए, एक्स और डब्ल्यू। मतलब इतना जब आप 3-4 बार कर लेते हो ना इसको स्टेप्स को, तो आपको इजीली पता लग जाता है कि यार बिल्कुल सही मैपिंग है। और अगर ये प्रॉपर मैपिंग आपकी हो गई, अब आप क्लियर कट कह सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो, मतलब दोनों ग्राफ्स आपस में क्या है, बराबर है, आइसोमॉर्फिक है। और ये मैं गाइज आपको बता दूं, ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, बड़े से बड़ा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, इजी से इजी, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।